नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जीएस से संबंधित है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी मेहनत से मैंने इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका फर्स्ट पार्ट है आज। और जो शिक्षक बहाली आने वाली है बिहार में, खासकर उससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो शुरू करेंगे। ये प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जीएस का प्रश्न है। इसमें सारे विषय संकलित हैं, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। तो इस वीडियो में मैं कुल 20 प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है एक वेक्टर है, सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। अगर वेग के जगह पर अगर चाल दिया रहता तो चाल अदिश राशि होती, लेकिन वेग जो है सदिश राशि। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो ये जो जब संविधान हमारा अंगीकृत किया गया, जब लागू हुआ, वही डेट है इसका, 26 नवंबर 1949। ये दूसरा का आंसर है, 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है तीसरा, कौन सा तत्व तो सबसे ज़्यादा सक्रिय है? सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व का नाम बताना है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व जो है तीसरा का आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। की पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा सक्रिय है, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चौथा, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? इसका सही उत्तर है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? आप जब बनारस जाएंगे, वाराणसी इस रूट से, भटनी के रूट से, तो आपको पहले मिलेगा सारनाथ स्टेशन, वाराणसी के पास है। तो 4 नंबर का आंसर होगा सारनाथ। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? पांचवा प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये कौन से चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था? तो उस चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। पांच का आंसर होगा नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। छठवां है प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की? जब भी सौर मंडल की शुरुआत की बात आती है, खोज की बात आती है, तो हम कोपरनिकस के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो इसका खोज श्रेय जाता है कोपरनिकस को, कापरनिकस या कोपरनिकस, ऊपर निकास। सातवां है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? 7 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा SLV-3, SLV-3, 7 का। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? 8वां प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी जनसंख्या स्वास्थ्य इसकी बातें आएगी, तो हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय को जाएगा।
तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। इसमें आप विकल्प खोजेंगे तो विकल्प वाला प्रश्न नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि विकल्प वाला भी डालें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रश्न संग्रहित किया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक से किया गया है, जो प्रतियोगिता दर्पण आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, पीपीएससी, पीसीएस एग्जामों के लिए, एसएससी लेवल सबके एग्जाम के लिए एक जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उसी से प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? 9वां प्रश्न है, आपको आंसर याद है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम बता देते हैं, इसका नाम था तारा। 10वां प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? 10वां प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। ये 11 प्रश्न है, 11वां नंबर, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? जल की सबसे ज़्यादा मात्रा है, तो कोशिकाओं में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल ही है। 11 का आंसर होगा जल, यानी कि वाटर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? इसके पहले हमने बताया था कि संविधान सभा पर जो उसका भाषण था कब समाप्त हुआ था, तो जिस दिन स्वीकार किया गया था संविधान को, पारित किया गया था, वही डेट इसका भी होगा 26 नवंबर 1949। 26/12 का होगा 26 नवंबर 1949। 13वां प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का जो है प्रथम गति नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है, यदि वह विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो यह गुण जो है जड़त्व का गुण कहलाता है, और कोई वस्तु है जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लागू ना हो। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अगर ये प्रश्न रहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो उसका आंसर होता बल, और द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा, बल की माप होती है। और न्यूटन के प्रथम नियम गति को, प्रथम गति नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल की माप होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 14 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में, 13वें। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? 15वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, सारे लोग जानते हैं इसका आंसर, लियोनार्डो द विंसी। इसका आंसर होगा लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंची या विंसी दोनों पढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत
निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, 15-16वां प्रश्न है, और निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? हमने तो पृथ्वी पर का जाना है कि पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, लेकिन सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड में सब 9 ग्रहों पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया किस पर्वत पे, किस ग्रह पे है? तो उसका आंसर होगा मंगल ग्रह पे, मंगल पे। 16 का आंसर होगा मंगल ग्रह। 7वां, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किससे है? तो जो 15 नंबर प्रश्न है और 17 दोनों सेम है, 15 और 17 दोनों सेम है, इसमें भी मोनालिसा का नाम है, इसमें भी मोनालिसा, दोनों के रचनाकार मोनालिसा लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची है। अगला है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 18वां प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? शिशु मृत्यु, तो शिशु अधिकतर कहा जाता है 1 साल के कम उम्र के बच्चों को, तो इसका आंसर होगा 1 साल से कम, 1 साल से कम। अब आएंगे 19वें प्रश्न पर, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? 19वां प्रश्न है, तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था साहना ए मंडी, सहना ये मंडी। 19वां है, 20वां प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला जानते हैं, बिहार की है, किस राज्य राज्य की पूछा है, मिथिला बिहार में है, इसका आंसर होगा बिहार। 20 प्रश्न कुल हो गए, हम आराम आराम से बता रहे हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। अब आते हैं फिर अगले 20 प्रश्न पे। बीस प्रश्न हो गए हैं, अगला 20 प्रश्न फिर एक से शुरू ही होगा। प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है, सबसे कम सक्रिय तत्व? तो इसका आंसर है लेड, सीसा, इसका आंसर होगा लेड, यानी कि सीसा, सीसा सबसे कम सक्रिय पदार्थ है। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये प्रश्न आमतौर पर सारे लोग जानते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 7। तीसरा है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो वो है राइबोसोम, राइबोसोम। चौथा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर सही है मलिक याकूब को, मलिक याकूब को, चौथा का आंसर है मलिक याकूब। 5वां है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? बेगम अख्तर गायन जो है वो किस विधा से संबंध है? तो इसका सही आंसर है गजल गायकी, बेगम अख्तर गाया जो है गजल गाती थी, गजल, गजल गायकी। आते हैं
छठवें प्रश्न पे, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है? तो इसका आंसर है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर में इतना होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। सातवां है, एक ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओलंपिक मशाल जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे देशों से दौरा होते हुए जहाँ आयोजन होना होता है वहाँ पहुँचता है, तो हर देश में अलग अलग लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो ओलंपिक मशाल है किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका आंसर होगा सूर्य की किरण से, ये सनलाइट से होता है, ये कोई माचिस से नहीं होता है, सूर्य किरण से। भारत में झीलों की कुल कितनी संख्या है? भारत में झीलों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका आंसर है 640, 640। नौवा प्रश्न है, संतलतकालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? फिर से एक बार नौवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। संतलतकालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। दसवां प्रश्न है, माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंध है? माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये इनका संबंध जो है वन्य जीवों पर फिल्म निर्मित से, ये जो है वन्य जीवों पर फिल्म निर्मित, वन्य जीवों पर फिल्म निर्मित माने वन्य जो जीव हैं उन पर फिल्म का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? 11वां प्रश्न है, यानी कि संवेग और वेग के अनुपात जब करेंगे तो कौन सा राशि प्राप्त होगी? तो इसका आंसर है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगी जब संवेग और वेग के अनुपात करेंगे, तो क्योंकि संवेग का सूत्र होता है mv और वेग का सूत्र होता है भी, भी से भी कट जाएगा तो m जो बचेगा मास वो हो जाएगा द्रव्यमान। तो 11 का आंसर होगा द्रव्यमान। 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 13वां है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण सा कौन सा है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा है, यानी लोहा और गंधक को हम मिला देंगे तो कौन सा मिश्रण बनेगा? लोहा और गंधक को मिलाएंगे तो असमांग मिश्रण बनेगा, असमांग। 14वां प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ किसको भेजा था सूबेदार बना करके? इसका सही उत्तर है शाइस्ता खां को। इसका आंसर है शाइस्ता खां को। 15वां प्रश्न है, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? 15वां प्रश्न फिर से एक बार सुन लेते हैं, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो
यहूदी मिनुजिन जो थे वायलिन बजाते थे, वायलिन आते हैं। सोलहवा प्रश्न, प्रश्न है कि सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। अब बताइए कितना अचंभित वाला बात है कि सूर्य का अपेक्षाकृत ठंडा भाग, जो सूर्य में ठंडा भाग है तो उसका टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस, वो क्या कहलाता है। जान लेते हैं इसका आंसर। 16 का आंसर, 16 का आंसर होगा सौर कलंक, इसका आंसर होगा सौर कलंक। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण, यानी कि मतलब किस अंग को हम फिर से लगा सकते हैं, प्रत्यारोपण संभव हुआ, तो उसका आंसर है हार्ट, हृदय, हृदय का। 18वां है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है, ये देखिए, तो इसका आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक, आज ही कर्नाटक का रिजल्ट आया है जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला है। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। लंबा प्रश्न है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। 19वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पुत्रों को वसीयत लिख करके बताया था कि वजीर असद खां को बनाना है, औरंगजेब। लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, 40वां प्रश्न, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो व्हिटनी ह्यूस्टन जो थे वे क्रिश्चियन थे और पॉप गाते थे, पॉप, पॉप, पॉप समझते हैं ना, इंग्लिश गाना है पॉप, पॉप गायकी से। तो इस प्रकार आज के वीडियो में कुल 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न, अगले कुल 40 प्रश्न हैं, पहले पार्ट में 20 है, इसमें 20, 20 और 20 मिला करके 40 हो गए। और फिर से हम कुल 5000 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, करें किए हैं और उसको लेकर के आए हैं आपके सामने। तो आज के एपिसोड में केवल 40 प्रश्न हैं, बाकी प्रश्न फिर अगले एपिसोड में बताए जाएंगे। धन्यवाद।